नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। 1 सितंबर से लागू होगा भारी जुर्माने वाला एक ट्रैफिक नियम। जी हां, 10,000 रुपये तक चालान कट सकता है अगर आपने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की, इसलिए पूरी तरह से सावधान हो जाएं। जिसका वजह है नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, विधेयक 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर, इनका अगर रास्ता रोका तो आपको भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर भी 10,000 रुपये तक जुर्माना ठोका जा सकता है। इस विधेयक में 18 साल से कम उम्र के बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले, रेस ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने तथा इन सब को भारी जुर्माने में का प्रावधान दिया गया है। ये सब 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिश पर तैयार किया गया है। अगर आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर नाबालिग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके पेरेंट्स या वाहन के मालिक को भी जिम्मेदार माना जाएगा। अब वे ये नहीं कह सकते और ना ही कह पाएंगे कि उनको इस मामले में जानकारी नहीं थी। नाबालिग पर जुनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा, बल्कि उनके पेरेंट्स को सजा भी हो सकती है। आइए देखते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का वो भाषण जिसमें इन ट्रैफिक नियमों के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी भारत में लाने का प्रावधान किया है। पलपल की खास रिपोर्ट। विधेयक की सिफारिश की है, परंतु समय के अभाव में बिल पास नहीं हो सका, फिर पार्लियामेंट बर्खास्त हुई और फिर बिल को हमने दोबारा नई से 17वीं लोकसभा में पेश किया और मैं आभारी हूँ कि लोकसभा में वो पारित हो गया। सर, इसमें राज्यों को अधिकार देना और उनके हाथ कैसे मजबूत करना, ये भी एडिशनल दिया हुआ है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हूँ कि राज्य के किसी भी प्रकार के अधिकार हम लेना नहीं चाहते। इसमें दो बातों पर बहुत से सदस्यों ने आपत्ति जताई है। अभी प्रेजेंट लॉ में ये नियम है कि अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस गाड़ी को आरटीओ ऑफिस में ले जाना पड़ता है और आरटीओ ऑफिस उसका इंस्पेक्शन करता है और उसके बाद वो उसको कितना टैक्स भरना है इसकी रिसिप्ट देने के बाद उसका नंबर अलॉट करता है। फैक्चुअल कोई गाड़ी आरटीओ ऑफिस से निकलकर डीलर से निकलकर आरटीओ ऑफिस जाती नहीं है। ये न करने के बदले में क्या होता है, ये आपको विदित है। अब इस सिस्टम को हम ऑनलाइन कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट इसमें रजिस्ट्रेशन की जवाबदारी जो कंज्यूमर की थी वो डीलर पर डाल रहे हैं और जो भी टैक्स स्टेट का होगा उतना पैसा ऑनलाइन स्टेट के अकाउंट में जमा होगा और सामान्य गवर्नमेंट का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आरटीओ का ऑफिस होगा वो नंबर देगा, वो नंबर गाड़ी को मिलेगा। हम इसमें से कोई शेयर लेना नहीं चाहते, कोई अधिकार नहीं लेना चाहते, किसी को अधिकार देना नहीं चाहते, प्राइवेट वाले को देना नहीं चाहते। अधिकार अभी भी राज्य सरकार के पास है, उनके अधिकारी के पास है। केवल ये जो हर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के पीछे आप सबको विदित है कि इसमें क्या तकलीफें होती है, उसको हमने ऑनलाइन किया है ताकि लोगों को इसके कारण मुश्किल ना हो, भ्रष्टाचार ना हो और ट्रांसपेरेंसी इसमें आए। और इसमें मुझे लगता है कि ये कोई भी राज्य सरकार का अधिकार लेने का हमारा उद्देश्य नहीं है। दूसरा, जो बहुत से लोग कहा कि हम नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने की बात कही है, आपको पता है सभी सदस्यों को कि रेलवे, एविएशन और वाटरवेज ये भारत सरकार के साथ है और स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है वो राज्य सरकार के साथ है। अगर मल्टी मॉडल हब बनाना पड़ेगा, जैसे अभी वाराणसी में हो रहा है, तो वाराणसी, साहिबपुर, साहिबगंज और गाजीपुर और हल्दिया, यहाँ मल्टी मॉडल हब बन रहा है, तो 3 एजेंसी भारत सरकार की है और 1 एजेंसी राज्य सरकार की है, तो तीनों को एक जगह अगर लाना है तो उसके लिए हमको पहल लेनी पड़ेगी। उसके लिए इसके बारे में किया है, वो भी इसमें क्लियर तरीके से हमने कहा है कि हम राज्य सरकार के कोई भी अधिकार नहीं लेंगे। ऑलरेडी राज्य सरकार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जो है उसका एक्ट अस्तित्व में है और उस एक्ट के अनुसार इसको बंद करना, चालू रखना, कैसे करना, जिले के नियम क्या होंगे, राज्य के नियम क्या होंगे, किसको अलाउ करना नहीं करना, ये सब राज्य सरकार के साथ है। हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, न राज्य सरकार का कोई अधिकार लेना चाहते हैं। नई टेक्नोलॉजी के आधार पर मल्टी मॉडल हब होगा, नई इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट ऑन पब्लिक सेक्टर में नई नई बातें आ रही, उसका उपयोग करना होगा, तो बहुत सी बातें जो है उसके लिए हमने ये पॉलिसी बनाने की बात कही है।
ये पॉलिसी के स्टेक होल्डर राज्य सरकार होंगे, उनके चर्चा के बाद ही पॉलिसी तय होगी। और बहुत से सदस्यों जिसका ऑब्जेक्शन था, उसके बाद मैंने उनको कहा कि अगर इसके बाद में पॉलिसी तैयार करने के बाद कोई राज्यों को लगता है कि हमको इसको स्वीकारना नहीं है, द पॉलिसी इज नॉट मैंडेटरी, तो चॉइस जो है वो राज्य सरकार के साथ है, अगर वो नहीं चाहते तो ना करें, हमें कोई उनके ऊपर इस प्रकार का बंधन नहीं लाएंगे, ये मैं विश्वास के साथ सदन को बताना चाहता हूँ। इसलिए नई टेक्नोलॉजी का विकास और उसके मद्देनजर परिवहन व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। नए नए ट्रांसपोर्टेशन के साधन आ गए हैं, अभी हमारे यहाँ दाफल मेयर करके ऑस्ट्रियन कंपनी है, उसका जॉइंट वेंचर में वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तब वेबकॉस करके कंपनी के साथ किया है, उनकी 28 टेक्नोलॉजी है, उसमें हवा में चलने वाली डबल डेकर बस है और उसकी कैपेसिटी मेट्रो से ज़्यादा है और कॉस्ट केवल 50 करोड़ पर किलोमीटर है, जहाँ मेट्रो की कॉस्ट करीब 350 करोड़ पर किलोमीटर है। अब दिल्ली मुंबई चेन्नई के लिए ठीक है, पर जैसे इंदौर है, भोपाल है, छोटे शहर है, ऐसे शहरों के लिए इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस हो, यही हमारा प्रयास है।